नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों उत्तर प्रदेश का जीके यानी कि जो है यूपी जीके का दोस्तों सेट नंबर 3 आ चुका है। इसमें हम देखेंगे प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं, वन हैं, वन्य जीव हैं, झील हैं, नदियां से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी को यहां पर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य जो है 1975 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश का कौन सा दोस्तों जो है वन्य जीव अभयारण्य है जो 1975 में दोस्तों स्थापित किया गया था, तो जो है आपका कतरनिया यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कतरनिया घाट जो है यह आपका वर्ष 1975 में स्थापित किया गया था। तो और भी जो हैं उनको आप जान लीजिए। कतरनिया आपका 1975 में, साथ ही साथ जो आपका किशनपुर है वो है अभ्यारण 1972 में स्थापित, और आपका चंबल जो वन्य जीव अभ्यारण है ये आपका 1979 में स्थापित है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों रायपुर नामक कोई भी आपका वन्य जीव अभ्यारण जो नहीं है तो इसको आप काट दीजिए। यद्यपि अगर बात करें रानीपुर जो है एक है रायपुर की जगह पर, अगर रानीपुर आप चाहें तो याद कर सकते हैं, इसकी स्थापना 1977 में हुई है। तो ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। कतरनिया आपका 1975 में, 72 में किशनपुर, तो देखिए 72 है उसके बाद 75 है, तो किशन है क से कतरनिया घाट है, ठीक है। तो ऐसे याद करना आसान है। उसके बाद दोस्तों आपका जो है रानीपुर है, रायपुर की जगह पे काट देते हैं, और रानीपुर आपका 77 में है, और उसके बाद दोस्तों जो है 79 में चंबल, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे चंद्र प्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य है, निम्नलिखित में से कहां पर अवस्थित है। मतलब ये चंद्र प्रभा जो वन्य जीव अभयारण्य है, चंद्र से ही पता चल जा रहा है कहां ये चंदौली में है। कहां है चंद्र प्रभा? च से है, दोनों याद करना बहुत आसान है, चंद्र और चंदौली एक ही जैसा है, तो चंदौली में दोस्तों ये चंद्र प्रभा है, ठीक है, इस जिले में, चंदौली जिले में। और ये जो अभयारण्य है लगभग दोस्तों बात करेंगे तो 78 जो है वर्ग किमी में फैला हुआ है, और इसका याद रखिएगा स्थापना 1957 में, कब 1957 में, 78 वर्ग किमी लगभग में फैला हुआ है, चंद्रप्रभा नाम है और चंदौली में स्थापित है। नेक्स्ट बात करेंगे विजय सागर पक्षी विहार, विजय सागर पक्षी विहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। जो विजय सागर है दोस्तों ये आपका महोबा में है, कहाँ है, महोबा जिले में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपी जीके का पार्ट नंबर 3 है ये, ठीक है। एक से सभी लोग देखते आइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये सभी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो विजय सागर पक्षी विहार जो है उत्तर प्रदेश का महोबा जिले में दोस्तों ये स्थित है, और एक पक्षी विहार है। और दोस्तों बात करेंगे तो ये किसके किनारे है, ये विजय सागर झील के किनारे, नाम भी विजय सागर है, याद रखिएगा विजय सागर झील के किनारे विजय सागर पक्षी विहार है, और जो कि महोबा में है, महोबा पूछ दे तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व क्या है। अमनगढ़ यूपी का जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, ये किसका हिस्सा है। तो अमनगढ़ दोस्तों जो है ये आपका हिस्सा है कॉर्बेट का, यानी जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है जानते हैं जिम कॉर्बेट दोस्तों, उत्तराखंड बनने के बाद, ठीक है, जिम कॉर्बेट दोस्तों उसमें चला गया है और अमनगढ़ वाला उत्तर प्रदेश में बना रहा, ठीक है, उसी का ये हिस्सा है। जानते हैं यूपी से उत्तराखंड अलग हो गया, तो जिम कॉर्बेट आपका यूटी में चला गया और कॉर्बेट आपका जो है, जो मतलब ये कॉर्बेट का ही है, अमनगढ़ जो है यूपी में है, ठीक है, टाइगर रिजर्व है, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र, उत्तर प्रदेश में मोर संरक्षण या फिर कहिए मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान या जनपद में स्थित है। मयूर संरक्षण केंद्र जो है वो मथुरा में, म से मयूर है, म से मथुरा है, मथुरा कृष्ण जी के लिए जाना जाता है, और कृष्ण जी भी मयूर का पंख जो है धारण करते हैं, तो ऐसे याद करना बहुत आसान है। कहाँ पर है मयूर संरक्षण केंद्र, मथुरा में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मथुरा वृंदावन, कहाँ, वृंदावन में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत वाला बताना है, कौन सा इनमें से दोस्तों सही सुमेलित नहीं है। तो महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर में है, बिल्कुल ठीक है, ये जिला सही दिया हुआ है। लाख बहुशी अभ्यारण्य दोस्तों
लाख बहुशी आपका कन्नौज में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। किशनपुर देखिए आ गया, जो किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है वो खीरी में है, कहाँ है, लखीमपुर खीरी में है, जबकि यहाँ पर बलरामपुर दिया है, यही आपका गलत है। ठीक है, याद रखिएगा लखीमपुर खीरी में है, और कैमूर जो है वो आपका सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में पड़ता है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर सी वाला गलत है, लखीमपुर खीरी होना चाहिए, किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की जगह पे। ये सब याद कर लीजिए। महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर में है, और लाख बहुशी कन्नौज में है, किशनपुर दोस्तों खीरी में है। किशन भगवान क्या खाते थे, खीर खाते थे, दूध खाते थे, मक्खन खाते थे, ऐसे याद कर सकते हैं। और कैमूर दोस्तों मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है। दुधवा ऐसे ही पता चल रहा है, दूध खीर से बनता है, अरे सॉरी दूध से खीर बनता है, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, खीरी हो जाएगा। अगर बात करेंगे दोस्तों मोहना और सुहेला नदी के बीच 775 वर्ग किमी वन क्षेत्र के रूप में 1861 में दोस्तों आरक्षित किया गया था। 1970 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले को 614 वर्ग किमी क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित किया। दुधवा से लगभग 30 किमी की दूरी पर दोस्तों जो है किशनपुर अभ्यारण्य एवं कतरनिया घाट को मिलाकर के 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। तो वही पूछा जा रहा है कहाँ है, खीरी पर है, लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, नहीं वाला बताना है। तो आप किशनपुर जानते हैं, कतरनिया घाट जानते हैं। अब दोस्तों देखिए बचा कौन सा है, एक आपका कालेसर बचा और ये आपका सुराताल। सुराताल है ही, कालेसर जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुराताल दोस्तों जो है बलिया जिले में है, कहाँ है, बलिया यूपी में। ठीक है, बलिया यूपी में है। और कतरनिया घाट दोस्तों बहराइच में है, कहाँ है, बहराइच में है। और आपका सुराताल दोस्तों जो है, एक सेकेंड, सुराताल तो बता दिया ना, सुराताल कहाँ, बलिया में है, और कतरनिया बहराइच में है, किशनपुर आपका खीरी में है। ठीक है, लखीमपुर खीरी में है। तो यहाँ पर ये कालेसर वाला जो है ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ये आपका हरियाणा में है, कहाँ है, हरियाणा के यमुनानगर ज़िले में है, यमुनानगर में। ठीक है, ठीक है, इसको दोस्तों जो है 8 दिसंबर 2003 में दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। कालेसर वाला जो है यूपी में नहीं है, हरियाणा में है। बाकी आपको बता दिया, खीरी सुराताल कहाँ है, बलिया, और कतरनिया कहाँ है, कतरनिया दोस्तों जो है आपका बहराइच है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, गिद्ध संरक्षण केंद्र पहला। तो दोस्तों गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज में, महाराजगंज में। तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में नवंबर 2019 में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, ये आया हुआ है UPPCS के आपके जो है ACF और RFO के एग्जाम में, मेंस एग्जाम में। ठीक है, पहला गिद्ध जो है संरक्षण प्रजनन केंद्र जो है स्थापित किया गया है, इसका निर्णय लिया गया। और इसका जो, इस केंद्र का जो विकास है वो हरियाणा के जो पिंजौर स्थित जो देश के पहले जटायु संरक्षण और जो प्रजनन केंद्र है उसी के तर्ज पर किया जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र के तर्ज पर इसे भी किया जाएगा। महाराजगंज में खुला है, क्या खुला है, गिद्ध संरक्षण केंद्र। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, उत्तर प्रदेश में कौन स्थित नहीं है, यूपी में। तो दोस्तों सीधे ही आपको जो है देखने, अच्छा एक सेकेंड, कौन कौन नहीं है, तो यहाँ पर जो है कौन कौन नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर कूट भी दिया है आगे। अच्छा, तो जो आपका आपका यहाँ पर जो है चित्रागुंडी जो अभ्यारण्य है, चित्रागुंडी अभ्यारण्य ये कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तो यूपी में ये नहीं है। साथ ही साथ बात करेंगे, जो उधवा है, दुधवा नहीं, यहाँ पर उधवा पूछा गया है, उधवा जो है ये कहाँ है, ये झारखंड में है, कहाँ है, झारखंड में। तो ये दो नहीं है, अब कूट में से आपको छाँटना है। और ये जयप्रकाश जो पक्षी अभ्यारण्य है इसी को सुराताल, ठीक है, सुराताल बलिया ये है। ठीक है, और ये वाला जो आपका पटना वाला है, पटना में नहीं है, ये एटा में है, कहाँ है, एटा। तो दोनों यूपी में हो गया, तो यही तीन और चार नहीं है, तो तीन और चार जिस कूट में दिया हो
तो डी नंबर आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन्य क्षेत्र मात्र, ये प्रतिशत है सब, ठीक है, तो कितने प्रतिशत है उत्तर प्रदेश में भैया वन क्षेत्र, तो आपका 6.84%, ये सभी प्रतिशत है, ठीक है, तो 6.84% जो है उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र हैं। और नवीनतम जो स्थिति है 2021 के अनुसार अगर बात करेंगे तो वन आवरण अगर पूछ लिया जाए तो आपका 9.23%, याद रखिएगा नवीनतम आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया गया। उत्तर प्रदेश में दोस्तों वन महोत्सव जो सप्ताह है वो पहला सप्ताह होता है जुलाई का, 1 जुलाई से 7 जुलाई, यानी सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष दोस्तों मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है वो वृक्षारोपण का जो है रोपण को प्रोत्साहन देना होता है, ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई, 1 जुलाई से 7 जुलाई। नेक्स्ट बात करेंगे, सूची एक का सूची दो से सुमेलित आपको करना है, क्या है उत्तर प्रदेश में पश्चिम बिहार है उसका संबंध आपको बताना किससे किससे है। अच्छा, तो ये ए बी सी डी है भैया, ये ए है, बी है, सी है, डी है, शायद मिस्टेक हो गया लिखने में, ठीक है, तो ए बी सी डी है, तो चलिए मिलाते हैं। तो जो नवाबगंज वाला है पक्षी अभ्यारण्य, ये उन्नाव का है, नवाबगंज जो पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव का है, यानी ए का क्या होगा, 2 होगा, तो लिखते चल रहे हैं 2 होगा, ठीक है, तो यानी पहला ऑप्शन तो दिख ही रहा है। ओखला जो है आपका, ओखला पक्षी विहार, ये आपका गाजियाबाद का है, यानी आपका यहाँ पर बी का 3 होगा, 2-3। उसके बाद समसपुर, समसपुर जो है ये आपका रायबरेली का है, तो आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2-3-4, और यहाँ पर पार्वती अरंगा गोंडा हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 2-3-4-1 जिस ऑप्शन में हो, 2-3-4-2-3-4-1, तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा पार्वती अरंगा पक्षी अभ्यारण्य आपका गोंडा है, नवाबगंज वाला जो पक्षी विहार है, सॉरी पक्षी विहार है ये सब, ये उन्नाव है, ओखला का गाजियाबाद है, समसपुर का आपका रायबरेली है, याद रखिएगा आगे पीछे करके एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज, देखिए आ गया नवाबगंज का, अभी मैंने क्या बताया था यहाँ पर, वही है नवाबगंज का क्या बताया था, उन्नाव, तो देखिए ऐसे करके भी एग्ज़ाम में आ जाएगा, तो उन्नाव कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो जैसे मैंने अभी बताया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, सूची एक का सूची दो से आपको मिलान करना है, ए बी सी डी है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश है और दिया है बांदीपुर राजा जी सिमलीपाल मानस, ये देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, कौन किस राज्य में है, तो मानस वाला आप जानते हैं, गेंडा वाला क्या है असम में है, तो डायरेक्ट आप मानस को असम के साथ मिलाइए, साथ ही साथ सिमलीपाल जो है कहाँ, उड़ीसा में है, तो ये आपका डायरेक्ट निकालिए किससे, मतलब बी जो है वो रहेगा 4 के साथ, तो बी रहेगा 4 के साथ, उड़ीसा यानी सी आपका रहेगा 3 के साथ, तो सी आपके 3 के साथ। और दोस्तों जो है आपका जो बांदीपुर है ये कहाँ है, कर्नाटक, यानी आपका डी रहेगा 1 के साथ। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजा जी सभी लोग जानते हैं, तो राजा जी आपका जो है राष्ट्रीय उद्यान, एक सेकेंड ये क्वेश्चन आपका पुराना है, ये राजा जी वाला तो उत्तराखंड में है, कहाँ है, उत्तराखंड में है, लेकिन क्वेश्चन पुराना है 2000 के समय में का है, तो राजा जी जो है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक में था, तो याद रखिएगा ये उत्तराखंड में ये मैच होगा, ठीक है, तो चलिए हो सकता है पुराना क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पर जो है ये आपका यहाँ पर 2-4-3-1 राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, याद रखिएगा राजा जी वाला उत्तराखंड। नेक्स्ट बात करेंगे गंगा डॉल्फिन, अच्छा यहाँ पर दोस्तों आपको कौन सुमेलित नहीं है वो बताना है, तो गंगा डॉल्फिन सेंचुरी जो है ये कहाँ पर है, ये आपका जो है ये आपका कहाँ है गंगा डॉल्फिन वाला, ये भागलपुर में, यही गलत है, कहाँ है भागलपुर में, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली सही है, पक्षी सेंचुरी भरतपुर बिल्कुल ठीक है, और डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है राष्ट्रीय ये करनाल, ठीक है हरियाणा की, यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल ही ठीक है, ये देखिए आपका जो है गंगा डॉल्फिन सेंचुरी जो है भागलपुर, याद रखिएगा बाकी सब भी आप याद रखिए, हो सके मिलान करने के लिए आ जाए, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान बरेली,
पक्षी सेंचुरी भरतपुर और राष्ट्रीय जो है डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, तो ये कहाँ किया जा रहा है, इटावा में, याद रखिएगा इटावा में किया जा रहा है। याद करने का ट्रिक बता दे रहा हूँ, तीन बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, UPPCS लोअर में भी पूछा गया है, अब मतलब जो मेन होता है उसमें भी, RO में भी तीन बार पूछा जा चुका है। तो ये इटावा में है, देखिए बच्चे जो शेर को जो है पिंजरे में रहता है तो ईटा मारते हैं, तो ऐसे ही आप याद कर लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आएगा जरूर एग्ज़ाम में, तो फिर ईटा मारेंगे लोग, नहीं पास होंगे आप। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है, वनों से घिरा हुआ, वन से आच्छादित, कौन सा जिला जो है वन से आच्छादित है, याद रखिएगा सोनभद्र, मैं इसको करवा चुका हूँ, सोनभद्र जो है 2021 के रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो वन आच्छादित है सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है 1% वाले चार जिले कौन कौन से हैं, याद रखिएगा एक सोनभद्र है, उसके बाद चंदौली है, कौन है, चंदौली है, फिर पीलीभीत, ये सब नाम याद रखिएगा, और मिर्ज़ापुर है, कौन है, मिर्ज़ापुर। तो ये आपके जो है चार हैं टॉप, तो यहाँ पर सोनभद्र राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सुरहा ताल पक्षी विहार अवस्थित है, अभी मैंने बताया कहाँ स्थित है, बलिया में, बलिया में सुरहा ताल जो है अवस्थित है, सुरहा गंगा और सरयू के दोआब में स्थित जो है गोखुर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है, यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सुरहा ताल पक्षी विहार की स्थापना 1991 में हुई, यह 34.13 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ बना, तो अभी मैंने बताया आपको इटावा, ईटा मारेंगे लोग, ठीक है, ये यूपी कांस्टेबल में भी पूछा गया। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन जो कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, कौन है जो कि पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि समसपुर जो है उत्तर प्रदेश में है, ए राइट आंसर हो जाएगा, बाकी आप और भी लिख लीजिए, वेथनगल जो है ये आपका कहाँ है, तमिलनाडु में है, और आपका और ऑप्शंस में दिए हुए हैं, घाट प्रभा पक्षी अभयारण्य ये कहाँ है, कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, जायकवाड़ी दोस्तों महाराष्ट्र में है, तो ये सब भी आप याद रखेंगे एग्जाम में आ सकता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले में है, मैंने बताया दूध के बिना खीर बनता नहीं है, लखीमपुर खीरी, तो जो है खीर बिना दूध के बन नहीं पाएगा, याद रखिएगा वर्ष 1970 में सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले में 614 वर्ग किमी क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित घोषित कर दिया। दुधवा से लगभग 30 किमी की दूर पर दोस्तों अन्य आरक्षित क्षेत्र किशनपुर है, किशन भगवान भी दूध से रिलेटेड चीज़ें खाते थे, मक्खन इत्यादि। 1987 में दोस्तों जो है दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया, यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, चंद्रप्रभा मैंने बताया था चंदौली, तो बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बहुत आसान है याद करना, 1957 में लगभग 70 किमी दूर है, कहाँ से, ये दोस्तों जो है वाराणसी से, ठीक है, 1957 में दोस्तों जो है ये बनाया गया। शेर के अलावा दोस्तों यहाँ शाही, काले हिरन, चीतल, जंगली सुअर, सांभर, नीलगाय, भारतीय चिंकारा जैसे अन्य पशु पाले जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे चंद्रप्रभा मृग वन भारत के किस राज्य में, यूपी, बहुत आसान है, अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न वन्य जीव अभयारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसमें से कौन सा है, चंद्रप्रभा आपको दिख रहा है चंदौली में, ठीक है, तो कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश वन्य आपका जो वन निगम कब स्थापित किया गया, तो ये आपका उत्तर प्रदेश का जो वन निगम है वो 74 में 25 नवंबर 1974 में स्थापित किया गया, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में वनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संरक्षण विकास एवं जो है वनोपजय वैज्ञानिक विदोहन के लिए जो स्थानीय प्राधिकरण के रूप में उत्तर प्रदेश जो है वन निगम अधिनियम 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश में वन निगम की स्थापना किया गया। इसका जो मुख्यालय है वो भी याद रखेंगे लखनऊ में है, कहाँ है, लखनऊ में है, 1974 याद रखिएगा 25 नवंबर।
नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में, बाघों के संरक्षण के लिए अभी मैंने आपको बताया कि अच्छा यहाँ पर अमनगढ़ ऑप्शंस में से सही राइट आंसर हो जाएगा। मैं सोचा इटावा वाला दिया हुआ, लेकिन इटावा वाला क्या है, बब्बर शेर के लिए, याद रखिएगा बब्बर शेर का सफारी खुला है इटावा में, ठीक है। अमनगढ़ याद रखिएगा बाघों के संरक्षण से संबंधित है उत्तर प्रदेश का अमनगढ़, ठीक है। उत्तर प्रदेश बाघों संरक्षण के लिए तीन टाइगर रिजर्व है, कौन कौन है, पहला जो है वो दुधवा है खीरी वाला, ठीक है, ये आपका 1987 में। दूसरा जो है अमनगढ़ है, ये कब बना, ये आपका जो है अमनगढ़ जो है बिजनौर में है, कहाँ है बिजनौर में, इसकी घोषणा 2012 में की गई, ठीक है। और तीसरा जो है वो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है जो 2014 से, ठीक है। तो ये सब आप याद रखेंगे, तीन हैं। नेक्स्ट बात करेंगे शेखा झील, अब झील और नदियां आर्द्र भूमि पे आ चुके हैं, तो शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, शेखा झील, ठीक है। ये दोस्तों अलीगढ़ में विकास किया जा रहा है, याद रखिएगा शेखा झील अलीगढ़, ठीक है। ये ताजे पानी की झील है, प्रवासी पक्षियों के मुफीद दोस्तों इस झील में नए जो राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे सुर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सुर सरोवर जो रामसर स्थल है के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थल इनमें से सत्य है। तो आ जाते हैं पहला जो कथन है ये क्या बोल रहा है, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है, देखिए सुर सरोवर जो रामसर स्थल है ये आगरा जिले में है, कहाँ आगरा जिले में है, यहाँ पर लखीमपुर खीरी बोल दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और मानव निर्मित जलाशय है ये, तो देखिए आप बोला यह एक मानव निर्मित जलाशय तो ये सही हो जाएगा, केवल दो जिस ऑप्शन में है यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सुर सरोवर आगरा में है, मानव निर्मित है। नेक्स्ट बात करेंगे गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती हैं, कौन से जनपद से दोस्तों गंगा नदी प्रवेश करती हैं उत्तर प्रदेश में। तो गंगा नदी दोस्तों जो बिजनौर से, कहाँ से, बिजनौर से दोस्तों जो है प्रवेश करती हैं उत्तर प्रदेश के 28 जिलों, उत्तर प्रदेश के दोस्तों 28 जिलों से बहकर गंगा नदी दोस्तों जो है, जैसे कि प्रमुख जो आपके शहर हैं प्रयागराज हो गया, वाराणसी हो गया, कानपुर हो गया, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया आदि हैं कि बलिया से बाहर निकल जाती हैं। और भारत सरकार द्वारा 2008 में गंगा नदी को दोस्तों जो है राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, बिजनौर। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो रामसर स्थल अभी हमने बात किया कि जो है आपका सुरिंसर जो मानसर झील है ये आपका यूपी में है, और दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश में स्थित, इसमें से क्या बोला है उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो ये वाला जो दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ है सुरिंसर, ये जो है जम्मू कश्मीर में है, कहाँ है ये जम्मू कश्मीर में। बाकी आपका सुर सरोवर अभी हमने बात किया कहाँ, आगरा, कहाँ है आगरा में है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे समसपुर वाला कहाँ है, तो समसपुर दोस्तों जो है ये आपका है उत्तर प्रदेश में ही है, समसपुर यूपी में ही है, और आपका जो आपका सरसई है, सरसई दोस्तों जो है ये कहाँ है, सरसई दोस्तों जो है आपका ये आपका बरेली में, बरेली राय बरेली में, एक सेकेंड, यूपी के राय बरेली में है, और आपका जो सरसई है ये इटावा की जगह पे, सरसई कहाँ है इटावा में है। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है ये पूछा था, तो सुरिंसर जो है जम्मू कश्मीर में है, बाकी आप सुर सरोवर आगरा में है, यूपी में है, रायबरेली में आपका समसपुर, और सरसई जो है नवार जो है झील इटावा में, ठीक है। तो सुरिंसर याद रखिएगा यहाँ पर कहाँ है, जम्मू कश्मीर, वैसे तो सब याद रखना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में कैसे भी गोलमेल यहाँ पर कर रहा है, गालमेल। और नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है, नहीं वाला, देखिए अधिकतर जो है नहीं वाला जब पूछ दे रहा है तो यहाँ प्रवाहित रहेगा, लास्ट में नहीं लिखा रहेगा, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन में आपका पूछा जा रहा है। देखिए सोन नदी, यहाँ पर दोस्तों जो देखिए यहाँ पर जो है ना ऑप्शन में गड़बड़ हो सकता है,
अगर बात करेंगे गंडक नदी की, ठीक है, तो इसका उद्गम जो है वो दोस्तों आपका नेपाल हिमालय से, हिमालय से है ये, क्या बोला, प्रवाहित बोला है, ठीक है। और इससे दोस्तों जो है सालिग्राम या फिर कहिए सालग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं, ठीक है। यह नदी उत्तर प्रदेश का महाराजगंज में ये घुसता है, ये महाराजगंज और जो कुशीनगर है इस ज़िले में और बिहार राज्य की सीमा बनाते हुए पटना में गंगा में जाकर मिल जाती है। सोन नदी की अगर जहाँ तक बात करें तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है UPPCS RO/ARO में, तो ये अमरकंटक से निकलकर दोस्तों उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जो ज़िला है, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, इससे दोस्तों प्रवाहित होकर के ये बिहार पटना में ये भी गंगा में मिल जाती है। अगर बात करेंगे हिंडन नदी में दोस्तों, तो ये सहारनपुर जनपद में जो आपका कालू वाला खोल नामक जो शिवालिक पहाड़ी है, इससे निकल कर जो मुजफ्फरपुर और शामली है इससे होकर के गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर जो है इसमें जा करके आगे जाके यमुना से ही मिल जाती है। तो ये सभी के सभी ऑप्शन, शारदा तो आप जानते हैं, ठीक है। शारदा नदी दोस्तों इसको काली या महाकाली नदी भी कहते हैं, और ये नदी जो उत्तराखंड के जो है जो आपका पिथौरागढ़ है उससे निकल करके उत्तराखंड नेपाल सीमा में करती हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, कहाँ, बाराबंकी में, ठीक है। बाराबंकी का एक जगह है, क्या है, बहराम घाट के निकट दोस्तों जो है, और ये करनाली और घाघरा नदी में मिल जाती है। तो अगर ऑप्शंस के हिसाब से बात करें तो कोई भी ऑप्शन जो नहीं है पूछा था, तो सभी तो यूपी में कहीं ना कहीं प्रवाहित तो हो ही रही हैं, तो ये जो क्वेश्चन पूछा था इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो याद रखिएगा सौत झील जो है ये मैनपुरी में है, बिल्कुल ठीक है। शेखा झील अभी हमने बात किया अलीगढ़ में है, बिल्कुल ये ठीक है। बखीरा झील जो है ये संत कबीर नगर में, ये भी ठीक है। और सर सही अभी हमने बात किया, ये कहाँ है, ये अभी हमने बात किया इटावा में है, कहाँ है, इटावा में है, तो यही आपका गलत है, तो यही वाला आपका सुमेलित नहीं है, डी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, सही सुमेलित नहीं है, गंगा वाराणसी तट के है निकट, तो बिल्कुल ठीक है। गोमती सुल्तानपुर, तो दोस्तों देखिए ये बिल्कुल आपका ये भी सही है। और कोशी की बात करेंगे तो गोरखपुर नहीं, यहाँ पर दोस्तों क्या होना चाहिए, राप्ती होना चाहिए, तो गोरखपुर के लिए जो होना चाहिए वो राप्ती नदी होना चाहिए, ठीक है। सरयू अयोध्या बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर यही वाला आपका सुमेलित सही नहीं है, सी वाला। नेक्स्ट बात करेंगे, देवदरी राजदरी जलप्रपात है, घूमने आप गए होंगे तो आप जानते होंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर ये है, तो जो जिला के बारे में पूछ रहा है, चंदौली में ये पड़ता है, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र है चंदौली और सोनभद्र मिर्ज़ापुर बनारस ये सब जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों पड़ता है कहाँ, चंदौली में, तो सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और चंद्रपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, राजदरी देवदरी झरने पाए जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। और बात करें यह जो अभ्यारण्य है वो एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया था, तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, कौन सी नदी है जिसका जो है जल ग्रहण क्षेत्र ज़्यादा है, तो वह सोन नदी, याद रखिएगा सोन नदी, ठीक है। जो भी आपके नदी दिए गए हैं उनमें से सोन नदी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोन नदी दोस्तों अमरकंटक पहाड़ी से जो है शोशाकुंड नामक स्थान से निकल करके पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले में दोस्तों बहती हुई बिहार में जो है प्रवेश करती है, पटना के निकट दोस्तों ये गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, गलत वाला बताना है, तो बिठूर का आपका जो है क्या हो जाएगा, गंगा नदी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और गोरखपुर का राप्ती अभी मैंने बताया सही है। जौनपुर का क्या होना चाहिए था, गोमती होना चाहिए था, क्या, गोमती, सर सही के लिए आप जो है इटावा याद रखेंगे, तो ये जो है आपका जौनपुर वाला कई सही सुमेलित हैं। कौशाम्बी के लिए यमुना बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। गंगा नदी का बहुत बार एग्जाम में आता है, तो याद रखिएगा 28 यूपी का 28 जिलों से बहती है, और यमुना इसके बाद है जो कि 19 जिलों से के साथ बहती है, ठीक है, मतलब होकर के गुजरती है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है, बाढ़ के लिए, तो दोस्तों याद रखिएगा कौन सा क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र सर्वाधिक जो है बाढ़ के लिए जाना जाता है या बाढ़ से प्रभावित है, इसे भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र दोस्तों समतल और नम है, इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र और मध्य के मैदानी क्षेत्र
या गंगा यमुना का जो दुआब को मध्य क्षेत्र कहा जाता है। यमुना व जो गंडक नदियां हैं इस विशाल मैदानी में दोस्तों प्रदेश में क्रमशः पश्चिमी पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती हैं और इस ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर उत्तरी क्षेत्र हिमालय से लगा हुआ पठारी क्षेत्र है जहां बाढ़ आने का संभावना कम है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र में जो है ऊंचाई आपका 80 से लेकर के 250 मीटर तक है, जहां अनेक क्षेत्रीय नदियां द्वारा कॉप मिट्टी यानी कीचड़ बालू निर्मित अत्यंत जो है उपजाऊ क्षेत्र हैं। अगर बात करेंगे ऑप्शन के हिसाब से तो जो है आपका बी राइट आंसर जो है पूर्वी क्षेत्र जहाँ पर बाढ़ प्रभावित रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे सूची एक से आपको जो है सूची दो का आपका यहाँ पर मिलान करना है, कूट के अनुसार आंसर देना है। चित्रकूट ए बी सी डी मान लीजिए, ठीक है, तो चित्रकूट ए का मिलान किसके साथ होगा, तो ये नदी पूछ रहा है तो चित्रकूट के लिए मंदाकिनी नदी हो जाएगा, याद रखिएगा चित्रकूट के लिए मंदाकिनी नदी, जौनपुर के लिए गोमती नदी अभी मैंने आपको बताया, मथुरा के लिए आप सभी लोग जानते हैं यमुना नदी और अयोध्या के लिए आप सरयू, तो मथुरा अयोध्या तो आपको लगाना पता ही है, यानी चित्रकूट के लिए मंदाकिनी यानी एक का क्या हो जाएगा चार हो जाएगा, ए का चार बी का दो हो जाएगा, सी का दोस्तों एक हो जाएगा और यहाँ पर आपका डी का क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा, यानी चार दो एक तीन जिस भी ऑप्शन में होगा चार दो एक तीन ऑप्शन नंबर बी में यहाँ मौजूद है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस सेट का ले लेते हैं, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। देखिए 2022 के अनुसार आपको बता दें तो 10 जो है प्रमुख रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया 10 ठो, ठीक है, तो याद रखेंगे एक आपका जो है सरसई जो है नवार वाला इटावा वाला और समान पक्षी मैनपुरी वाला, ठीक है, अगर बात करेंगे आगे तो आपका सांडी जो पक्षी विहार है हरदोई वाला, उसके बाद समसपुर अभी मैंने बताया रायबरेली और पार्वती अरंगा विहार जो गोंडा में है, ठीक है, अगर बात करेंगे आगे तो नवाबगंज, ठीक है, जो पक्षी विहार है उन्नाव में जो है पिछले क्वेश्चंस में हमने किया, सुर सरोवर अगर बात करेंगे तो ये भी है ये आगरा में है आप जानते हैं, ठीक है, पार्वती अरंगा जो है ये आपका कहाँ है गोंडा वाला है, तो यहाँ पर दो दो ऑप्शन सही हो रहे हैं, बाकी अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हैदरपुर जो मुजफ्फरनगर बिजनौर वाला है और आपका बखीरा वन जो अभ्यारण्य क्षेत्र है जो संत कवि नगर में है, तो दो दो ऑप्शन है दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये आपके जो है 40 प्रश्न थे, ठीक है, जो कि अन्य अन्य जो है टॉपिक के क्वेश्चन थे, चाहे कहीं नदियों से क्वेश्चन था, कोई झील से क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ क्वेश्चन प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव से था, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये सेट नंबर 3 पसंद आया होगा यूपी जीके का, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, प्लीज़ लाइक एंड शेयर, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पशुपालन वाले में, ठीक है, धन्यवाद।